बाला ने कहा कि आपने लखियो बारे में क्यों नहीं कहा, सेना जी मैं तो कहूँगा लखियो से कहूँगा, तुम्हारे बाप माँ बाप तुम्हारे देश देश का शादी करना चाहते हैं तो तुम लोग अपाहिज रहने का संकल्प करो, लेकिन तो शादी न मत करो। इस तरह तालु के ग्राहों से सेवा गूंज उठी थी, जवान नान का चेहरा उसका लाल हो गया था। आप ये बोल रहे थे और मेरा बार बार मेरी प्रार्थना कर रहे थे, मेरी बार बार मेरा स्वागत कर रहे थे, ये देख कर मुझे भाव विवल हो गया और मैं इतना प्रभावित हुआ जवान नान से और इतना संपर्क मुझे ऊंचा हो गया कि बाद में पत्र व्यवहार चलता रहा और मेरा जो पहला विवाह ठीक हुआ गरखा में गरखा थाने गो गाँव में पहला जो शादी ठीक हुई थी जवान नान को मैंने आमंत्रित किया था पत्र के माध्यम से, बीच में बाद में शादी नहीं हो सकी, वो लकी वाला दब्बू निकला और भाग गया शादी ठीक करने के बाद। बाद में मेरी शादी 1973 में दसवन गांव में हुई।